अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरे पापा की कल सर्जरी हुई थी, मुझे कल जाना था लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से मैं नहीं जा सकी। अब संडे वाले दिन जहाँ से का ऑफ था तो उन्होंने कहा कि आज चले जाओ सुबह से शाम तक के लिए, तो मैं आज अपने घर जा रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले बिल्लियों को कुछ डाल दो। मैंने इन्हें सुबह अच्छा खासा गोश्त डाल दिया था और अभी भी मैंने इन्हें गोश्त डाल दिया ताकि इनका पेट भरा रहे, परेशान ना हो। मैं रात तक आ जाऊँगी। ये देखो हमारी शूफिया कैसी लगी है। शूफी ये देखो, हाँ मैं रात तक आ जाऊंगी। आप लोग रखना, आप लोग की भी जिम्मेदारी है ना बिल्लियों का खाना। कैट फूड अभी ख़त्म हो गया, अभी ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ही आएगा ना कैट फूड, अभी नहीं आएगा, अभी एक दो दिन है जब तक मैं इनको गोश्त डाल रही हूँ। गर्दनें मंगा ली हैं इनकी। मैं रात में अभी डाल के दांत में डाल दिए, अब मैं रात में आऊँगी तो रात में डाल दूँगी। नहीं भूखे थोड़ी रहेंगे, ये मैंने बहुत सारी डाल दी है। मैंने सुबह भी इनको खिलाया अच्छा खासा, अभी मैंने डाल दिया, कब पेट भर रहेगा, सोती रहेंगी ये। वहाँ भी डाल दिया, अभी अभी डाल के आई हूँ मैं। क्या कजने लाऊंगी, क्या बोल रही, गर्दन, हाँ गर्दने लेकर आई हूँ ना मैं। खा लिए इन लोगों ने, मासूम वहाँ पता नहीं कहाँ चली गई, उसको मैंने इतना ढूंढा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ कर दो मोहम्मद। कि मैं अपने घर जा रही हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गार्निश नज़र आई। मैंने सोचा इनका शूट करना चाहिए, जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और मुझे अक्सर बहुत प्यारी लगती है। इंशाल्लाह मेरे पास पैसे आएंगे, मैं गार्निश करूँगी अपने लाउंज में। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इसको गार्निश करूँ। मम्मा का कल मेरी जो पापा है ना, उनकी सर्जरी हो गई थी, लास्ट सर्जरी थी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनकी सर्जरी हो गई, वो ठीक है। तो मैं उनको देखने जा रही हूँ, और ये भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत जल्दी हमें पहुँचा दिया था। ये आ गया पार्सल बम, और मैंने पार्सल बम का एक चीज पॉकेट की, आई डोंट नो व्हाई क्यों। अच्छा गाड़ी का अक्सर एल लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है लर्निंग, मतलब ये प्रोसेस है, लर्निंग की प्रोसेस है। तो आप भी इस बात का ख्याल रखें, नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह से लिखा हुआ हो, अगर आप ट्राइज कर रहे हैं, तो इन लर्निंग जो इन प्रोसेस है, इनका ख्याल रखें। ये बेचारे अभी सीख रहे होते हैं, इनकी हेल्प भी हो जाती है। नहीं बैग उठाओ मेरा, हाँ अमरूद धो के काट के दे दे आप भी। तो ये मैंने दुआ का मोबाइल उठाया और उनके डेस्कटॉप पे देखा कि मोहम्मद की पिक्चर लगी हुई है, देख के खुश हुई। और ये देखें दुआ खाला जान को, ये खेल रही हैं अपने भांजे के साथ
एंजॉय कर रही है। ये कैट फूड मैं मुइजा के लिए लेकर आई थी। जब मैंने ये रखा बाहर जाके तो बाबा ने कहा कि इसको यहाँ मत रखो, कोई ले जाएगा। और दूसरी बात है कि मुइजा को मैं रात में अपने पास सुला लेता हूँ, तो आप परेशान मत हो। तो नीचे बाबा होते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई ना हमारे बराबर में, तो वहाँ पे नीचे बाबा होते हैं, वहाँ पे सो रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं अपने पास सुलाता हूँ मुइजा को ठंड में, तो आप परेशान मत हो, आप ये जो कैट घर है ना, ये कोई ले ना जाए बाहर से, तो आप इसको अपने पास ही ले जाएं। तो मैं सोचा मम्मा के घर ले जाती हूँ, मम्मा के घर तो ऑलरेडी बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, तो इस वजह से मैं मम्मा के लिए बिल्लियों के लिए ले आई थी यहाँ पे। फिर पता चला कि फुप्पो भी आ गई हैं और वो अपने नवासे को लेकर आई थी साथ, बहुत प्यारा बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। तो वो पापा को देखने आई थी और मोहम्मद को देखें कैसे खुश हो रहा है, बेबी को देख देख के इतना खुश हो रहा है, फीटर फीरा इनका जो बेबी है फुप्पो का जो नवासा वो फीडर पीरा। तो मोहम्मद रोने लग गया कि मुझे भी चाहिए फीडर, वो इतना रो रहा है। मैं कमरे में लेकर आई हूँ अभी, मैंने मोहम्मद को फीडर के नहीं, ये तुम्हारी फीडर नहीं है। इस बिल्ली की आंख में पता नहीं क्यों इतने आंसू आते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इसकी बिल्ली की सफाई करती हूँ। लेकिन रोज़ दुआ कहती है कि मैं इसके टीयर्स साफ करती हूँ, दिन में 3-3 बार समटाइम, लेकिन पता नहीं क्यों उसको इतने आंसू निकलते हैं। तो मैंने इसके टीयर्स साफ़ करे और ये बहुत भाग रहा था, लेकिन मैंने इसको कवर कर लिया। अपनी फेवरेट चाउमीन तो कैसे खा रहे हो कि पता नहीं कितने भूखे हो, एकदम नीचे लग जाएंगे आपको। मेरा तो जिंगर बर्गर एंड चिप्स, छोटी सी पार्टी हो रही है हमारे घर। हाँ खिला दो, खा लेगा। इसको मिर्ची लग रही है, पानी लाओ। मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और हमने यहाँ पे छोटी सी पार्टी की। वो देखिए हमारा जो केचप का पीस है वो वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने नहीं खोला। क्यों खोलूँ मैं उसको, मुझसे खुलता ही नहीं है। मैंने खोला ही नहीं, मैं ऐसे ही खाना मंजूर करती हूँ। मैंने सोचा मैं ऐसे ही खाऊंगी, उसको खोलूँगी नहीं, तो दांत से कैसे खोले बंदा यार। मैं सीज़र मेरे पास ही नहीं, मेरी सीज़र चोरी हो चुकी है। मैंने सोचा मैं ऐसी छोटी सी पार्टी करती हूँ, ऐसी मैंने खाया इतने मज़े का, मैंने और मेरे बच्चे ने खाया और जहांजेब ने खाया। हमने आज यहाँ पे छोटी सी पार्टी करी। अगर मेरा ये चैनल, अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पे प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।